विपक्ष के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बिहार में देखिए विकास का सारा काम चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हर तरह का काम चल रहा है डेवलपमेंट का। पेपरलेस काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो पेपरलेस धीरे धीरे होते जा रहा है, तो पेपरलेस जितना होगा उतना ये इसका बेहतर असर पड़ेगा, क्योंकि जब पेपर बनता है तो वो पेड़ कटता है तो पेपर बनता है। देखिए विधायक लोग जो बोल रहे हैं उनकी अपनी इच्छा होगी, उनके अपने मन की बात होगी तो वो बोल रहे हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार जो हम लोग हैं अभी वो पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और जो उनका स्टैंड है वो हम लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और बिहार में शराबबंदी लागू हुई तो अच्छी बात है, इसको पालन होना चाहिए इसका अच्छी तरह से, इसमें कहीं कोई सर बीच बीच में विधायक अलग अलग विधायक हमको लगता है कहीं ना कहीं या कोई वर्कर बोल देते हैं तो उनके ऊपर पूछा जाएगा क्या इश्यू है, नहीं है, आपने क्यों ऐसा बोला, लेकिन ऐसा हम नहीं समझते हैं कि उनको बोलना चाहिए। पर अब पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है, होटल में जा रही है और महिलाओं के कमरे में प्रवेश कर जाती है बिना महिला कांस्टेबल के। देखिए इसमें कई लोगों ने एतराज जताया, ये एतराज वाला बात तो जरूर है, लेकिन जब भी जहां कहीं महिला की जांच हो या फिर इस तरह का कहीं कोई आता है तो महिला पुलिस के साथ जांच हो, जब रिपोर्ट मिलती है तो जांच होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन महिला पुलिस के साथ जांच होता तो ज्यादा बेहतर होता। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए होंगे, इस पर जरूर इस पर कार्रवाई। नीरज जी आपके सही, देखिए आरोप व्यक्तिगत भी होता है, क्या इश्यू है उसको समझना पड़ेगा, और व्यक्तिगत लोग आरोप लगाते हैं तरह तरह का, ऐसा हम नहीं मानते हैं कि राजभवन से कहीं कोई गड़बड़ी होती है, आरोप लोग गलतफहमी भी लगाए करते हैं, इस बात का जांच हो जाए कि क्या है आरोप नहीं है, सच्चाई जान ले फिर आरोप लगाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो बेचारा आरोप ही लगाएगा, कलेजा फट रहा है, इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, एक बार बीच में घुसने का मौका मिला था फिर बेपटरी हो गए हैं तो कलेजा फट रहा है, जी से पानी टपक रहा है, माननीय मुख्यमंत्री तो कहते रहते हैं कि इन लोग का जी से पानी टपकते रहता है, तो वही स्थिति है, कोई इन लोग पास मुद्दा नहीं है तो आरोप नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या, बस एक ही काम है आरोप आरोप आरोप, और इन लोगों के पास कोई काम नहीं है इसलिए इन लोगों का कलेजा फट रहा है, आरोप लगाते रहते हैं। देखिए सहयोग कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चलता है, काफी लोग आते हैं, काफी लोगों के समस्या का समाधान होता है, हम समझते हैं कि हर तरह की समस्याएं आती हैं, ज्यादा से ज्यादा लेकिन जमीन का झंझट आते रहता है, कहीं अतिक्रमण का समस्या आ जाता है, तो जहां भी जिस तरह का समस्या आता है वहां के अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि मुख्यमंत्री दरबार के बाद भी कोई कोई पहुंच जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए, मुझे लगता है कि हर तरह की समस्या का समाधान होते रहता है। तो सोमवार से लेकर के अगले सोमवार तक 8 दिन का समय होता है, इस बीच में अगर किन्हीं का कोई समस्या आ गया, लोग परेशान होते हैं, लोग बेचैन होते हैं, तो उस तरह के लोग अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम लोग उसका समाधान करते हैं। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में देखिए विकास का सारा काम चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हर तरह का काम चल रहा है डेवलपमेंट का, हम समझते हैं कि पूरा तेज चल रहा है। आज जैसे कि आपने देखा कि बिहार विधान परिषद में ई सिस्टम चालू किया गया, तो देश में अनूठा काम तो बिहार में होते रहता है, ये बिहार विधान परिषद देश का पहला विधान परिषद है जहां ई सिस्टम शुरू किया गया, तो इससे काफी बड़ा फायदा मिलेगा, और हम समझते हैं कि पेपरलेस काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो पेपरलेस धीरे धीरे होते जा रहा है, तो पेपरलेस जितना होगा उतना ये इसका बेहतर असर पड़ेगा, लोग इसमें हाईटेक हो जाएंगे, हमारे जो नई पीढ़ी है वो हाईटेक हो रहे हैं, और पेपर से सबसे बड़ा इसका एक प्रदूषण पर भी पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जब पेपर बनता है तो वो पेड़ कटता है तो पेपर बनता है, जितना पेपर वर्क कम होगा उतना हमारा प्लांट बचा रहेगा, उतना हमारा पेड़ पौधा बचा हुआ रहेगा, तो पर्यावरण पर भी इसका ई सिस्टम का बड़ा असर है, तो जितना ई सिस्टम डेवलप करेगा उतना हमारा